हरियाणा के रण की अगर बात की जाए तो अब तैयारियां और तेज हो चुकी हैं। मंथनों का दौर लगातार जारी है और दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है। और इस बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि मौजूदा सांसदों को, चाहे वो लोकसभा के या राज्यसभा के, उनको विधानसभा के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा। सांसद चुनाव में उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, किसी सांसद का दावेदारी के लिए नहीं रखा जाएगा नाम। एक बड़ी खबर, चुनाव लड़ना है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से करें बात, क्योंकि कई सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जताई थी। काफी सिटिंग एमपीज भी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे शैलजा जी हो या सुरजेवाला। काफी सिटिंग एमपीज भी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे शैलजा जी हो या सुरजेवाला। काफी सिटिंग एमपीज भी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे शैलजा जी हो या सुरजेवाला। और राजा पटेल हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजा, ये बात क्यों कहनी पड़ी दीपक बावरिया को कि किसी भी सांसद को, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, टिकट नहीं देंगे विधानसभा के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दो दिनों में जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय माकन, वो सभी सांसदों से बातचीत कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, तो कई सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी कल, क्योंकि जो राज्यसभा सांसद है रणदीप सुरजेवाला, उनकी तरफ से भी मीटिंग में ये बात रखी गई थी कि वो कैथल से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। एक वीडियो भी आपने दिखा होगा कि उनका वीडियो किस तरीके से उन्होंने जारी किया और कैथल के लोगों को साथ देने की उपास कहते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कुमारी शैलजा, जो की हाल ही में भी लोकसभा चुनाव जीती है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार की हाईकमान से, की वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। तो एक बड़ा बयान मीटिंग के बाद यहाँ पर देखने को मिला, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनकी तरफ से अब स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि कोई भी सांसद यदि विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उनको, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही उनकी जो प्रक्रिया है विधानसभा चुनाव की, वो कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो आगे बढ़ाएगी। तो एक बड़ा बयान ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का देखने को मिला। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को संदेश दे दिया है। अब बिल्कुल देखिए, चाहे तो होता, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की बात करें और कुमारी शैलजा, दोनों ही जो नेता हैं वो चाहते थे कि हरियाणा में वो विधानसभा चुनाव लड़े, और ऐसे में उन्होंने अपनी बातें भी मीटिंग में रखी थी, तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। और एक बड़ा मैसेज जो कांग्रेस के प्रभारी है दीपक बावरिया, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला के अलावा भी और सांसदों को उन्होंने दिया है कि कोई भी सांसद यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद जो प्रोसेसिंग है स्क्रीनिंग कमेटी उनकी करती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया राजा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाकर रखें। कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है स्क्रीनिंग कमेटी की और जल्दी ही कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। मंथन लगातार जारी है। अब ये बात क्यों निकली, क्यों सवाल पूछा गया कि क्या किसी सांसद और राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद को टिकट मिल सकता है?